नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यशोगाथाओं की श्रृंखला में आज श्री सत्यजीत कोकाटे की सक्सेस स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं। वैसे तो इनकी सक्सेस स्टोरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले शेयर हो चुकी है, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप वीडियो स्टोरी बनाइए। इसके पीछे मेरा मकसद ये था कि सत्यजीत जी सितंबर 2019 से ये लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, यानी अभी 5 साल पूरे होंगे कि ये लाइफस्टाइल कर रहे हैं, और इनका क्या क्या फायदा हुआ वो तो आप उन्हीं से सुनेंगे। लेकिन इस स्टोरी की खासियत ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है क्या, क्या हम इसे लंबी समय तक कर सकते हैं क्या, या फिर हम 3 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, इसका फायदा होगा और फिर आगे क्या। तो इस सवाल का जवाब आपको सत्यजीत जी की इस स्टोरी से जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लगातार 5 साल इस लाइफस्टाइल को फॉलो किया है। हो सकता है कि फॉलो करने में उनको कोई दिक्कतें भी आई होगी, लेकिन उन दिक्कतों के ऊपर उन्होंने कैसे काम किया, कैसे वो सुलझा कर वो आगे गए, ये सब स्टोरी हम उन्हीं से अभी सुनने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम श्री सत्यजीत कोकाटे की स्टोरी उन्हीं से सुनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्यजीत अरविंद कोकाटे, मैं डोंबिवली में निवास करता हूँ। मेरी उम्र 59 साल है। मैंने केमिस्ट्री में MSc किया है और करीबन 32 साल एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में काम किया है, और बाद में पिछले 4 साल से मैं फार्मा कंपनियों के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। सन 2012 में मेरे वार्षिक मेडिकल चेकअप के दौरान मुझे टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और तभी से मैं दवाइयाँ ले रहा था। सन 2019 में मैंने ABP माझा ये मराठी न्यूज चैनल पर डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित सर जी का इंटरव्यू देखा और मुझे इस जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। पहले तो मुझे दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाने की बात असंभव लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था कि डायबिटीज के मरीज ने दिन में 5-6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहना चाहिए, और मैं भी तभी दिन में 5-6 बार खाता था। लेकिन चूंकि मैं दवाइयों से छुटकारा पाना चाहता था, मैंने इस जीवन शैली अपनाने का निश्चय किया। जीवन शैली शुरू करने के बाद पहले 20 से 25 दिन बहुत कठिनाइयां महसूस हुई, विशेषतः शाम को 4 या 5 बजे शुगर कम होने की वजह से बड़ी भूख लगती थी। फिर मैंने हमारे एडमिन मैडम और मैं जिनसे डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था, उन डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने मेरी शुगर कम करने वाली दवाई का डोज कम किया। करीबन 1 महीने के बाद मुझे इस जीवन शैली की आदत हुई और बाद में मैंने इसका दृढ़तापूर्वक पालन किया। मैं मेरा पहला भोजन दोपहर 1 बजे लेता हूँ और दूसरा भोजन रात को 8:30 बजे लेता हूँ। 2 भोजनों के बीच में मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। पिछले 5 साल से मैं इस जीवन शैली का पालन कर रहा हूँ और इसके आगे भी मैं इस जीवन शैली का पालन करूंगा। मैंने करीबन 34 किलो वजन घटाया है। जनवरी 2021 में मेरी डायबिटीज की सारी दवाइयाँ मेरे डॉक्टर ने ही बंद करवाई, क्योंकि मेरा HbA1c 6 से भी कम हो गया था। पिछले 3 साल से मेरा HbA1c 5.6 और 5.1 के बीच में है। मेरा वजन जो 2019 में 107.3 किलो था, आज मेरा वजन 73 किलो है, और ये वजन अब न बढ़ता है और न कम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जीवन शैली पूरी तरह से सस्टेनेबल है, और अगर आप इसका पालन करेंगे तो आप कायम स्वरूपी डायबिटीज से और मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। मैं मेरे डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर और मेरी एडमिन मैडम माधवी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, और मैं मेरी पत्नी का भी आभारी हूँ। मैंने अभी तक मेरे मित्र, रिश्तेदार, इन सबको इस जीवन शैली के बारे में बताया है, और उनका इसका पालन करने के लिए मैं उनको प्रोत्साहित भी करता रहता हूँ। अगर आप भी मेरे अनुभव के बारे में अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र: दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर
समाप्त करें, भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं, न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें, दो भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।